इंटरव्यू में ही सुना था अभी, थी तीन चीजें जिंदगी में मुश्किल हैं, डेथ, डिवोर्स एंड देन देयर वाज वन मोर थिंग दैट यू सेड, मूविंग. या सो तो जब अब सेकेंड और थर्ड टाइम जब, तो कितना डर लग रहा था, उसे कैसे काउंटर करती थी? और अगर कोई इस वक्त लड़की या खातून सुन रही हों जो इसी सिचुएशन से गुजर रही हों और सोच रही हों, डर लग रहा हो किसी नई रिलेशनशिप में जाने से क्योंकि पुराना एक एक्सपीरियंस हो चुका है, क्या एडवाइस करेंगे, किस तरह हैंडल करें अपने फियर्स को, किस तरह डील करें इस चीज़ से? तो सबसे पहले तो यह है कि अगर आप एक अब्यूसिव रिलेशनशिप में हैं तो आपको उधर होना नहीं चाहिए, चाहे कितनी भी आपकी मजबूरी हो. ये अगर अल्लाह मियाँ ने आपको हाथ पैर दिए हैं और आपके अकल है, आप तालीम याफ्ता हैं, कुछ भी, आप अगर झाड़ू भी मार के कमा सकते हैं, विच इज़ देयर डिग्निटी एंड लेबर ऑलवेज, इट्स बेटर देन बीइंग इन एन अब्यूसिव रिलेशनशिप. बिकॉज अब्यूसिव रिलेशनशिप्स में ये होता है कि आपकी अपनी सेल्फ वर्थ, आपकी डिग्निटी, आपका सब कुछ ख़त्म हो चुका होता है. तो प्रायोरिटी आपकी क्या है? बहुत लोग हैं कि जी अच्छा चलें जी, कभी कभार मार पिट जाती है या इमोशनल अब्यूज़ है जो भी, लेकिन चले सोसाइटी को हम खुश रख रहे हैं, या मेरे बच्चे स्टेबल हैं, या मेरा घर ठीक, बट दैट्स आर्टिफिशियल एग्जिस्टेंस. हो ही नहीं सकता कि एक घर और एक ख़ानदान नॉर्मल और स्टेबल हो अगर देयर इज़ एनी फॉर्म ऑफ अब्यूज इन दैट होम. तो आई फील कि इट्स बेटर टू गेट आउट. अच्छा, फाइंड अ वे टू गेट आउट इफ़ यू हैव अ सपोर्टिव फैमिली. I had a supportive family. My children have been my greatest strength. बहुत से लोग कहते हैं बच्चे नहीं कर सकते, मेरे लिए मेरे बच्चे सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ थे, they stood by me through everything always. तो मैंने पाला, करीब रख के पाला, तो मेरे साथ मेरे बच्चे खड़े रहे. तो माँ के लिए तो सबसे अहम चीज़ बच्चे होते हैं पहले, यू नो, यू द आई थिंक द ग्रेटेस्ट पेन अ वुमन कैन गो थ्रू इज़ इफ हर चिल्ड्रन आर नॉट हर्स. सो अगर आपके बच्चे आपके साथ हैं और आप यू आर कीपिंग दम इंटैक्ट, माई बिगेस्ट थिंग वॉज टू कीप माई सेल्फ एंड माई चिल्ड्रन सेफ ऑलवेज. एवरीथिंग एल्स इज इररेलेवेंट. सोसाइटी का कोई ताल्लुक नहीं आपकी ज़िंदगी के साथ, क्योंकि सोसाइटी आपके ना बच्चे पालती है, ना घर चलाती है, ना आपको बचाने आती है जब कोई मार पड़ रही है या आपको कोई कुछ कर रहा है. आई मीन यू नो, नोबडी कम्स टू योर डोर. हु आर यू प्लीजिंग? वॉट सॉर्ट ऑफ सोशल टैबू और सोशल एक्सेप्टेबिलिटी आर यू टॉकिंग अबाउट? This society is not worth it. The only thing that's important is your own, and if there are children involved, your children's health and safety. Everything else is secondary. And I was very clear from day one that I have the right to live a comfortable, happy life. And I want my children to grow up seeing, acha, you know, an environment where even if we struggle, even if we work, even if whatever it is, but to see a stable, normal existence, not a toxic situation. बच्चों को जब आप एक टॉक्सिक माहौल में पालते हैं ना, तो बच्चों के और इमोशनल एलिमेंट्स इश्यूज बहुत होते हैं. सही बात है. सो आई वुड से एज अ वर्किंग मदर, मेरे बच्चों ने, जैसे आपको मैंने अभी इंटरव्यू से पहले बता रही थी, बड़ी बेटी मेरी प्रोड्यूसर है, बेटा मेरा साउंड डिज़ाइन करता है, छोटी मेरी आर्ट स्कूल में पढ़ रही, तो दे ऑल गॉन इन टू द फील्ड एंड बिहाइंड द कैमरा. आई थिंक आई कुड परहैप्स टेक सम क्रेडिट इन द फैक्ट दैट दे सॉ अ वर्किंग मदर एंड सक्सीड. सो उनको इनकरेजमेंट हुई कि यार हमारी माँ, चाहे वो उसको समझते हैं कि नहीं, लेकिन साइकोलॉजिकली एंड सबकॉन्शियसली ना वो एलिमेंट मोबिलाइज करता है बच्चों को. इट काइंड ऑफ प्लेज ऑन चिल्ड्रंस एटीट्यूड्स एंड स्टफ. सो आई एम नेवर अफ्रेड ऑफ लुकिंग फॉर समथिंग बेटर इन लाइफ. एंड ऑल्सो पता है राबिया, एक तो जो माँ बाप वालदेन जो कहते हैं ना बच्चों को, नहीं छोड़ना, नहीं ये नहीं करना, आई एम वेरी क्लियर, यू मस्ट ऑलवेज अलाउ योर चिल्ड्रन टू लिव देयर लाइफ. देखिए माँ बाप वालदेन भी ना एक नाइंसाफी करते हैं जब वो कहते हैं आप हमारी ज़िंदगी जिए, हम चाहते हैं आप यहाँ पढ़े हैं, हम चाहते हैं आप इससे शादी करें. इट्स नॉट माई लाइफ, माई चिल्ड्रंस लाइफ इज़ नॉट माई लाइफ. एज अ पेरेंट आई कैन ओनली सपोर्ट देम वेयर दे फाइंड देमसेल्व्स. And that's it. So yes, supportive children, mother, sisters, friends, colleagues. फिर मैं टी वी में जब मैं इस मीडियम में आई, तो जितने भी मेरे यहाँ पे इर्द गिर्द मेरे कॉलीग्स, आई हैव हैड अ ब्यूटिफुल लाइफ. एंड मैं आपको एक बात बताऊँ, जितने भी नेगेटिविटी या आप फेलियर कह लें, मैं एक्सपीरियंस कहती हूँ, वेरी लिटिल कंपेयर टू सक्सेस इन माई लाइफ. मेरी ज़िंदगी
ढकी छुपी है नहीं, आप स्क्रीन पे देखती हैं. सो अब सक्सेस का रेशियो देखो कि शायद एक जगह अल्लाह मियां ने इम्तिहान लिया, दूसरी जगह अल्लाह मियां ने मुझे सिला भी बहुत दिया उस इम्तिहान का, एंड आई एम ओके. सो नेवर टू आंसर योर थिंग, कभी भी जिंदगी में आप अपनी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज मत करें. दैट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम वी गिव इन. लेकिन जब आप नई रिलेशनशिप स्टार्ट करी थी, डर लग रहा होगा? नहीं, डर तो देखे या खौफ होगा या थोड़े डाउट्स होंगे, उनको कैसे काउंटर करती थी? या हम बोले कि आप बहुत ब्रेव हैं. नहीं, ब्रेव नहीं, आई थिंक स्ट्रांग हैं आप. नहीं, तो शुक्र अल्लाह का इन एक्सपीरियंसेस की वजह से आई हैव बिकम वेरी टफ, बट नॉट लाइक आई हैवंट लॉस्ट माय कंपैशन इन लाइफ ना, और माय रोमांस. सो व्हेन आई वांटेड टू गिव मैरिज अ थर्ड चांस, तो मेरी फैमिली में था, ओ माय गॉड, दो तो नहीं चली, तो आप यू नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन. आई सेड लुक, यू नो, आई स्टिल बिलीव इन द इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज. आई बिलीव दैट देयर इट हैज इट्स वैल्यू. ऑल्सो इफ आई एम यू नो आई वॉन्ट माई चिल्ड्रन टू बी इन अ सिचुएशन वेयर दे आर नॉट डिस्करेज फ्रॉम द होल आइडिया ऑफ मैरिज. प्लस देन इफ आई लव समबडी, यू नो, लाइक माई मैरिजेज आर नॉट अरेंज्ड, आई काइंड ऑफ यू नो द रोमांसेज हैपन्ड. सो इफ आई एम एक्चुअली इन अ रोमांस एंड आई केयर फॉर अ पर्सन, what's important, how a person is making me feel and how I'm feeling in that relationship, or than people's opinions. So I think logon ko hum itna wo de dete hain. Main apne kaam ki had tak logon ko puri liberty deti hu. Aapne mujhe judge karna hai, aap mere characters pe, drama pe, har cheez pe kare, bole kitna bakwas role kiya hai aapne, you know, because it's not, your right. But on my personal front in my life, that is my life. I have control over my life, not public.